मेरे को पता था ऊपर को काफी गर्मी होगी क्योंकि मैं यहाँ पहले आई हूँ, तो मैं तो व्हाइट पहन के आई हूँ। एवरीवन वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग होने वाला है मैं, मेरी बहन बबीता, मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर इन लॉ यानी मेरा देवर, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। घर से निकल चुके हैं हम, मार्केट में पहुंच गए, मेन मार्केट में पहुंच गए, तो सौरभ भैया कुछ सामान लेने के लिए गए, खाने वाने की चीज़ें, और हम लोग कार में बैठे हुए हैं। सौरभ भैया कह रहे हैं अभी जो ऑर्डर दिया है उसको बनने में कितने मिनट लगेंगे, बोल रहे हैं टाइम लगेगा 20 मिनट लगने वाले, हम बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो 20 मिनट अब वेट तो करना पड़ेगा, तो हम गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही वेट करेंगे। सामान लेके आ गए हैं। सौरभ भैया की शक्ल नहीं दिखाऊंगी मैं क्योंकि सौरभ भैया को अपनी शक्ल नहीं दिखानी है। सौरभ भैया है, सौरभ मेरा देवर है। तुम्हें तो बोला कनालिसिना वाले रोड में चलते हैं। हाँ मैं तो वैसे चीज़ चलो जाम बैठ सके आराम से, तो सामान आ चुका है, हम लोग निकल चुके हैं। सो गाइस हम पिथौरागढ़ मेन मार्केट से आगे को निकल चुके हैं, तो यहाँ बहुत अच्छी लोकेशन है, मैं पूरी आपको दिखाने वाली हूँ। अभी हम नैनीपातल वाली रोड में चल रहे हैं, उसके बाद लछहर आएगा, लछहर से भी 5 किलोमीटर आगे हमें चलना है, जहाँ से मैं आपको पूरा प्रॉपर व्यू दिखाने वाली हूँ, उस जगह का नाम है टीवी टावर। तो चलो चलते हैं। गाड़ी की कंडीशन देख के अब लोग सोच सकते कि रोड कैसी थी, ऑलमोस्ट मैंने पूरा आपको दिखाई दिया था कि कंडीशन रोड की कैसी हो रही थी। अच्छी है गाड़ी, या गाड़ी तो कई कीचड़ में होगी यार, पापा गाली गाली करेंगे भी बात धुलवा लेना, कितना अच्छा ग्राउंड के लिए मजार भी लगी यार। तो हम लोग निकल चुके हैं ऊपर को पैदल पैदल, तो हम सीनियर चल रहे हैं, दो लोग काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं, सबसे आगे बब्बू मेरी बहन है और पीछे वो सौरभ भैया, विनोद मेरा वीडियो बना रहे हैं, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ आपको बताते हुए चलती हूँ। बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी है, यहाँ से लेके ऊपर तक पूरी सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ है, तो आराम आराम से चल रहे हैं, धूप भी काफ़ी है, बहुत तेज़ धूप लग रही है, गर्मी भी काफ़ी हो रही है ना विनोद? हाँ काफ़ी गर्मी है। तो मेरे को पता था ऊपर को काफ़ी गर्मी होगी क्योंकि मैं यहाँ पहले आई हूँ, तो मैं तो वाइट पहन के आई हूँ, तो इनके कंपैरिजन में मुझे थोड़ा कम गर्मी लगेगी। ऊपर का व्यू दिखाऊंगी, वहाँ से पूरा पिथौरागढ़ दिखता है, मतलब पिथौरागढ़ का मैक्सिमम एरिया दिखता है, तो मैं आपको टॉप पर पहुँच के दिखाऊँगी वहाँ से पिथौरागढ़ का व्यू कैसा दिखता है। जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही खड़ी एकदम सीधी सीढ़ी है, और टॉप में पहुंचने का यही एक रास्ता है, आप दूसरा कहीं से नहीं जा सकते, कोई शॉर्टकट नहीं पकड़ सकते, आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। तो ऑलमोस्ट हमने सीढ़ियाँ चढ़ दी है, बस थोड़ा ही बचा है।
देख सकते हैं इस वीरान सी जगह में हमें एक साथी काला काला साथी दिख रहा है। सौरभ यहाँ के पीछे चले गए, एक डॉगी है आई थिंक जो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड होंगे, उन्होंने रखा होगा इसको। हेलो तो गाइस फाइनली जिस स्टॉप की मैं बात कर रही थी, जो मैं आपको नीचे से बार बार दिखा रही थी, तो हम फाइनली उस जगह पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं व्यू बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा। उस कोने से लेके इस कोने तक पूरा पिथौरागढ़ शहर फैला हुआ है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। पूरी हरियाली हरियाली आप देख सकते हैं। और जो सामने वाला टॉप दिख रहा है आपको, यहाँ से पैराग्लाइडिंग भी होती है इस वाले टॉप से। और इधर वहाँ को फोकस करो, उस वाले टॉप से जो वाला टॉप दिख रहा है, यहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है। बाकी हम आपको जितना क्लोज़अप देख सकते हैं उतना क्लोज़अप देने की कोशिश करते हैं। तो हम हल्का सा जूम करके आपको पूरा प्रॉपरली दिखाएंगे। बहुत ही सुंदर। यहाँ से हम नीचे उस वाली जगह पे जाएंगे और वहाँ पे बैठेंगे। ये रास्ता भी बहुत खतरनाक है, अगर एक पैर फिसल गया तो सीधे नीचे पहुंच जाएंगे। तो हम बहुत आराम आराम से चल रहे हैं। मेरे देवर भैया और मेरी सिस्टर नीचे पहुंच गए हैं, क्योंकि मैं आपको वीडियो कवरेज दे रही थी तो मैं थोड़ा पीछे रह गई। तो जल्दी से मैं भी उनके पास पहुंचती हूँ और बैठती हूँ, पानी पीती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत थक गई हूँ। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, बाय। तो हम लोग जो भी स्नैक्स वगैरह लेके आए थे, क्योंकि हम काफ़ी डिस्टेंस पे आए तो खाने वाने के लिए थोड़ी चीज़ें लेके आए थे, वो हमने खा दिया है। तो जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर घाटियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। पिथौरागढ़ सोर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है आज आपको दिख रहा होगा, मेरे पीछे इतनी सुंदर सुंदर घाटियाँ हैं, इतने सुंदर सुंदर पहाड़, पूरी हरियाली छाई हुई है और हमारा पिथौरागढ़ शहर सोर घाटी इतना सुंदर यहाँ से दिख रहा है। तो गाइस शाम के 4 बज चुके हैं, हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर ली और रील भी बना लिए, तो अब चलते हैं घर को। ये था मेरा न्यू ब्लॉग। जिस जगह पर मैं आज घूमने के लिए आई थी, मैंने आपको पूरा व्यू दिखा दिया है। आई होप आप सभी को ये पसंद आया हो। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।